हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आप सभी का आपके चैनल एम स्टडी में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के लिए हम लोग महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप अपने सभी ग्रुप पर वीडियो को शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? आंसर होगा, WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में गौरव गुप्ता और वायजूस रविंद्रन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन लेह में किया जाएगा। अब बात लेह की आई है, जो कि वर्तमान में लद्दाख की कैपिटल है। लद्दाख जो कि अभी 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। इस यहां से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि लद्दाख के वर्तमान समय के उपराज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये नई बनी है यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए नीघा ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने निकाय चुनावों के लिए NIGHA नीघा ऐप लॉन्च किया है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान में कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है, और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। यह तेलुगु भाषी लोगों के लिए गठित किया गया था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? आंसर होगा, नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन हैदराबाद में शुरू किया गया है। वर्तमान समय के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं, ये आप लोगों को जानना होगा। वर्तमान समय में नागरिक उड्डयन मंत्री नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑटो चालकों के लिए हैप्पी आवर को शुरू किया है? आंसर होगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऑटो चालकों के लिए हैप्पी आवर को शुरू किया है। यह हैप्पी आवर 12 बजे से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के कौशल विकास के लिए DigiPiot कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आंसर होगा, महिलाओं के कौशल विकास के लिए DigiPiot कार्यक्रम गूगल इंडिया ने शुरू किया है। अभी हाल ही में 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया गया था, इसी उपलक्ष में गूगल इंडिया ने उनके कौशल विकास के लिए ये एक DigiPiot नामक कार्यक्रम चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है? आंसर होगा, नागालैंड में 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यहाँ नाम नागालैंड का है, तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, और नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। इतना आप लोगों को नागालैंड के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन पे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर होगा, फोन पे ने
यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। बात आईसीआईसीआई बैंक की है तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जून 1994 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है? आंसर होगा 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है। किडनी की सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष या 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने जाय बांग्ला को बांग्लादेश का नारा घोषित किया है? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने जाय बांग्ला को बांग्लादेश का नारा घोषित किया है। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है और बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।